2030 का भारत। जी हाँ, यूके थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड रिसर्च के स्टडी ने एक सुनहरे भारत की तस्वीर पेश की है। इस स्टडी के मुताबिक भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अनुमान है कि 2050 तक भारत उस समय की सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन को पछाड़कर विश्व में नंबर एक पोजीशन पर काबिज हो जाएगा। 2030 तक भारत तरक्की की उस ऊंचाइयों पर रहेगा या तो विकसित देशों के ग्रुप G8 से फ्रांस और इटली जैसे देशों को बाहर कर देगा, या फिर इसमें भारत की सदस्यता बढ़ाने के लिए G8 देशों की सदस्यता भी बढ़ानी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत को वैश्विक पटल पर छाते हुए दिखा रही हैं, तो फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर हमें आज से ही काम करने की सख्त जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ 2030 का भारत। हर कोई आकर उस मजार पर चादर चढ़ा गया जिसके बाहर बैठा एक फकीर ठंड से मर गया। जी हाँ, यह कड़वा है लेकिन पूरी तरह सच है। आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे ही हैं। आस्था और अंधविश्वास से भरे लोग सिर्फ खुद के प्रति प्यार रखने लगे हैं। दूसरों के काम आना तो अब ख्यालों में ही सच लगता है। आज भी हमारे देश में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो तन पर पहनने के लिए कपड़ा है और ना ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना। अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाकर मंदिर मस्जिद में इतना चढ़ावा चढ़ाने के बजाय गरीबों के काम आने लगे, तो कुछ सालों में ही गरीबी और लाचारी के आंकड़े को आधे से भी कम किया जा सकता है। गरीबी सिर्फ आमदनी या संसाधनों की सुलभता का अभाव नहीं है, या शिक्षा के अवसरों और सामाजिक भेदभाव में बढ़ोतरी के लिए भी जवाबदार होता है। गरीबी के हर रूप को जड़ से मिटा देना भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का मूल मंत्र है और 2030 के भारत के सतत विकास का पहला लक्ष्य है। इस लक्ष्य में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को, खासकर गरीब तथा लाचारी की स्थिति में जी रहे लोगों को, आर्थिक संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार और कार्य करने की शक्ति का नवाचार मिले। इसके साथ ही बुनियादी सेवाओं, उपयुक्त नई टेक्नोलॉजी तथा सूक्ष्म वित्त सहित वित्तीय सेवाओं सुलभ करना भी इस लक्ष्य का हिस्सा है। भारत सरकार की अनेक प्रगतिशील नीतियां हैं। इनमें विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना शामिल हैं। हो सकता है कि हम ऐसी कुछ योजनाएं बनाकर, ऐसे कुछ पहल कर देश से गरीबी को मिटा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हर सरकार का ये फॉर्मूला जरूर होता है, देश से गरीबी मिटाओ और अपनी सरकार बचाओ। तो आने वाले समय में सरकारें जो भी हों, आने वाले समय में प्रशासन जो भी हो, हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत शून्य गरीबी की तरफ अपना पहला कदम आज से ही रखना शुरू करेगा। 2030 के भारत के बाकी अन्य 16 बिंदुओं के बारे में जानने के लिए बने रहें Troopel.com के साथ। धन्यवाद।